दोस्तों, आज आवागमन का प्रमुख साधन है रेलगाड़ी। ख़ास तौर से दोस्तों, मिडिल क्लास वाले तो अधिकतर रेलगाड़ी पर ही सफ़र करती हैं, क्योंकि अगर वो बस से यात्रा करते हैं तो लंबी दूरी में लंबा समय लगता है और हवाई जहाज़ के लिए पैसे नहीं हैं। तो रेलगाड़ी जो है मिडिल क्लास वालों के लिए एक वरदान है। लेकिन कभी कभी दोस्तों, ऐसा हो जाता है कि ट्रेन को जिस रूट पर नहीं जाना चाहिए उस रूट पर भी जाना पड़ता है, क्योंकि अलग से लाइन नहीं बिछी है, और जिससे ट्रेन को ज़्यादा समय लग जाता है। और जहाँ 4 घंटे में पहुँचना है तो वहाँ आदमी 5 घंटे में पहुँचता है, 6 घंटे में पहुँचता है, क्योंकि उधर रेलवे लाइन नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उसी पर आधारित है कि कैसे अगर रीवा से ट्रेन चलती है और उसे अगर मानिकपुर प्रयागराज जाना है तो उसे सतना होकर नहीं जाना पड़ेगा, जबकि पहले सतना होकर ही जाना पड़ता था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारे इस चैनल के द्वारा वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं 94% लोग ऐसे हैं कि जो हमारे इस चैनल की वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। केवल 5 ही 6% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते ही हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जब ये आप लाइन देख सकते हैं, ये रीवा लाइन जाती है, और ये आप देख सकते हैं ये लाइन सतना जाती है, और ये इधर प्रयागराज मानिकपुर के लिए ये रास्ता जाती है। दोस्तों, ये जो आपको लाल लकीर दिख रही है ये खजुराहो के लिए जाती है। ये रेलवे लाइन ललितपुर और सिंगरौली का जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये उसी का हिस्सा है जो अभी निर्माणाधीन है। और दोस्तों, इसके संबंध में भी हमने वीडियो बनाया है, ये आप आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं उसकी वीडियो। ये दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये अपना हो गया रीवा रेलवे स्टेशन, जहाँ से ये ट्रेन चलती है, और ये यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, ये जो सतना और प्रयागराज की ये जो रेलवे लाइन है, यहीं पर दोस्तों आप ये देख सकते हैं, पहले जब रिवर्स निकलती थी ट्रेन तो सतना जाती थी और फिर सतना से प्रयागराज के लिए जाती थी, लेकिन ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बाईपास अब बन गया है। यानी अब अगर रिवर्स से ट्रेन अगर चलती है तो उसे इधर सतना की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे लोगों का समय भी पर्याप्त मात्रा में बचेगा। और दोस्तों, आप ये जो लाल रकील देख रहे हैं ये खजुराहो के लिए जाती है, और ये ललितपुर सिंगरौली का एक हिस्सा है, ये दोस्तों ये जाता है प्रयागराज के लिए। और ये दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये रीवा के लिए जो रास्ता जाता है, और यहीं पे ये हो गया बाईपास, और इस बाईपास के द्वारा ही जो ट्रेन रीवा से आती है और रीवा से डायरेक्ट चली जाती है प्रयागराज के लिए, और जब वो सतना नहीं जाएगी तो सीधी सी बात है दोस्तों, लगभग हर व्यक्ति का आधा से 1 घंटे की समय बचत होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी हमारे YouTube चैनल पर डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।